नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वृश्चिक राशि वालों, 27 अप्रैल बुधवार की शाम 6 बजे शेर की तरह दहाड़ मारेगी किस्मत। जी हाँ दोस्तों, पहली बार इतनी बड़ी खुशखबरी मिल रही है, आपसे कुछ गलतियां ना हो जाए इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, जो ग्रह स्थिति बन रही है उसे ध्यान में रखते हुए चंद्र राशि ऊपर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सूर्यदेव मेष राशि में है और चंद्रदेव कुंभ राशि में, और वह ठीक सुबह 11 बजे के बाद मीन राशि में गोचर करने वाले हैं, यानी कि आपके धन भाव में गोचर करेंगे। दोस्तों, समय आपके लिए काफ़ी शुभ रहने वाला है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको चिंतन करना है। दोस्तों, यह समय आपकी लव, स्वास्थ्य, कैरियर और धन में क्या क्या बड़े बदलाव करेंगे, जानेंगे पूरे विस्तार से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिखना मत भूलिएगा। आइए बात करते हैं आपका दैनिक राशिफल। वृश्चिक राशि वालों, मन मुताबिक तरीके से कोई कार्य बन जाने के कारण आप तनाव मुक्त महसूस करेंगे। राजनीतिक और सामाजिक दायरा बढ़ेगा। यह समय संपर्क सूत्र आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। पॉलिसी में निवेश करने की इच्छा है तो समय अनुकूल है, दिल खोलकर आप निवेश कर सकते हैं। इसके उपरांत अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें, युवा वर्ग गलत आदतों और संगति से दूरी बनाकर रखें, वरना इसका प्रभाव भी आपकी कार्य क्षमता पर पड़ेगा। कभी कभी काम का अत्यधिक बोझ आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन ला सकता है। अपने काम को दूसरों के साथ बांटना सीखें तथा धैर्य बनाकर रखना आपके लिए उचित रहेगा। जी हाँ, आपको लापरवाही करने से बचना होगा और इस समय अपने आप में विश्वास बनाकर रखना बेहद जरूरी है। क्रोध और चिड़चिड़ापन जैसे स्वभाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें, अन्यथा आपको समय नुकसान दे सकता है। फाइनेंस संबंधी कार्यों में आपको सावधानी बरतना होगा। दोस्तों, आपको बता दें, सकारात्मक नजरिया रखने से परिस्थितियां काफी हद तक सामान्य हो जाएगी। पिछले कुछ समय से चल रही घरेलू परेशानियों का समाधान मिलेगा। आपके सौम्य तथा संतुलित विचारों की वजह से घर परिवार में भी उचित समय बना रहेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय बाहरी गतिविधियों को स्थगित रखें तथा अधिकतर समय घर में ही व्यतीत करने का प्रयास करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत बच्चों की किसी गलत गतिविधि के कारण आपको तनाव व क्रोध हो सकता है, परंतु उसकी गतिविधियों को शांतिपूर्ण तरीके से सुधार करने की कोशिश करें, इससे परिस्थितियों में जल्द ही सुधार आएगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में आपको फायदा हो सकता है। किसी कंपनी में अगर आपका सैलरी या भत्ता रुका हुआ था तो वह आपको मिल सकता है, बस आपको थोड़ा सा प्रयास करने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय अगर आप कहीं धन को निवेश करना चाहते हैं तो इस समय आप दिल खोलकर निवेश कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ होगा। इसके उपरांत यह समय व्यर्थ के प्रेम संबंधों से आपको दूरी बनाकर रखना होगा। दोस्तों, आपको बता दें, कुछ समय घर के बड़े बुजुर्गों तथा वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ भी समय व्यतीत करें। आपको उनके अनुभवों में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेगी तथा उनके आशीर्वाद और स्नेह भी खुद को अनुभूति होगी। इसके उपरांत कहीं भी निवेश करने से पहले उससे संबंधित उचित जानकारी अवश्य हासिल करें, और स्वस्थ हल्की फुल्की परेशानी होने की वजह से आपके कुछ काम अधूरे रह सकती हैं, परंतु इसकी वजह से तनाव अपने ऊपर हावी ना होने दें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा और उचित आराम लेना आपके लिए ज़रूरी है। और इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें, घर में संबंधित आगमन से चहल पहल भरा माहौल रहेगा तथा कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी रहेगा। प्रॉपर्टी में निवेश करने या वाहन खरीदने संबंधित योजना बन रही है तो उसके लिए समय अभी आपका उचित है।
बच्चों की समस्याओं को निवारण में उनका सहयोग अवश्य करें और कुछ समय अपने बच्चों के साथ जरूर व्यतीत करें। उनकी मन में जो बात चल रही है, उनकी परेशानी चल रही है, उनका समाधान करने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगी। अगर घर का माहौल शांतिपूर्ण रखना है तो किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप अपने घर पर ना होने दें, चाहे वह नज़दीकी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगी आपको बता दें, यह समय अगर आपकी व्यवसाय को लेकर बात करें तो यह समय व्यावसायिक गतिविधियों में छोटी सी लापरवाही करना आपको नुकसानदेह साबित हो सकता है। सभी गतिविधियों पर निगरानी रखना बेहद जरूरी है। काम ज़्यादा होने से नौकरी पेशा लोगों को अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है, लेकिन आपको उसमें लाभ ही लाभ होगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे यह समय व्यावसायिक समस्याओं को राहत पाने के लिए कुछ गलत प्रवृत्ति के कार्यों की तरफ रुझान हो सकता है, इसलिए सावधान रहें और धैर्य बनाकर रखें। आर्थिक स्थिति में सामान्य बनी रहेगी और आपको उसमें लाभ होगा। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को देखिए, अचानक ही कहीं ड्यूटी का ऑफर आ सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा और इस समय फोन कॉल को इस समय नज़रअंदाज मत कीजिएगा। कहीं से भी आपको बड़ा ऑर्डर या फिर कहीं से बुलावा आ सकता है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय कारोबार में नई पार्टी के साथ व्यावसायिक संबंध बन सकती हैं। पब्लिक डीलिंग संबंधित और अच्छे दोस्तों के साथ संबंध और मजबूत करें। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में विशेष रूप से उपलब्धियां हासिल हो सकती है। इसके उपरांत अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा और विपरीत लिंगी मित्रों से मेल मुलाकात परिवार में कुछ मुश्किलें उत्पन्न कर सकता है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, यह समय परिवार में सुख शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का मौका मिल सकता है। वहीं दोस्तों, अगर आपकी सेहत यानी हेल्थ को लेकर बात करें तो यह समय नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि इसका असर आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, यह समय गर्मी और लू से अपना बचाव रखें। हल्का और सुपाच्य भोजन करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं आपका शुभ रंग और शुभ अंक की। तो आज आपका शुभ रंग हरा कलर है, भाग्यशाली अंक आज आपका 8 है। दोस्तों, जानकारियों से अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।